दोस्तों सिल्वर के अंदर टॉप लगने वाला था, ये हमने लास्ट वीक के वीडियो के अंदर क्लियरली चर्चा की थी और आपने देख लिया दोस्तों कि क्या नज़ारा होता है टॉप लगने के बाद। ठीक है, ऐसा जो है वो टॉप लगा है। अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है उसकी पूरी चर्चा करे थे हम, यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट जोन रहेगा 55,725 से 55,600 का लेवल। ये लेवल अगर हम नीचे की तरफ काटते हैं तो फिर 55,200 का लेवल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ये लेवल के आसपास गिरावट खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पर भी अगर ये ऊपर यहाँ से चलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ता है गिरावट और तेज होती है तो 55,200 का लेवल ऐसा है कि यहाँ पर वो गिरावट खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 55,600 के नीचे हमें 55,200 के ऊपर ध्यान रखना है, वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर टूटता है और 1 आवर ये लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से नई गिरावट स्टार्ट हो सकती है और वो लगभग लगभग हमें 54,800 का फाइनल हमें सपोर्ट ध्यान में रखना है। वो लेवल टूटता है तो 54,450 और उसके नीचे 53,900 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अगर ये 55,200 का लेवल काटता है और वहां पर 1 आवर सस्टेन करता है। काटने का कोई दिक्कत नहीं है, काट के तुरंत वापस आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 आवर वो लेवल के नीचे रुकता है तो फिर दिक्कत हो सकती है हमें सिल्वर के अंदर। एक #2023 सिल्वर का वीडियो जो है वो बनाया दोस्तों, अगली दिवाली के लिए क्या हो सकता है तो वो आप जाके जरूर देखना। उसका जो वीडियो बनाया है 2 दिन पहले, लेकिन उसकी इम्पैक्ट जो है वो अभी आप देखोगे कि एग्जैक्ट वही हो रहा है, तो आप जरूर टाइम निकाल के वो वीडियो भी जाके एक बार चेक करें। दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो हमारा कोर्स है वो यहाँ पर अभी दिवाली है तो ऑफर चल रही है, ₹1,000 का डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहो तो अभी भी आप वो ले सकते हो, अगली दिवाली के बाद उसके ओरिजिनल प्राइस आ जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो 55,950 से 55,100 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। ये लेवल अगर हम ऊपर की तरफ काटते हैं तो फिर 55,500 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर चलते हैं तो फिर हमें शॉर्ट से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर 56,050 फाइनल रहेगा और फाइनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या नज़ारा होता है दोस्तों वो आपने देख लिया। तो फाइनल रेजिस्टेंस अगर ये ऊपर की तरफ काटता है तो फिर हमें 56,600 से 57,150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर किसी भी कारण से ये 57,150 के ऊपर चलता है दोस्तों तो फिर यहाँ पर दरवाजे खुल जाएंगे 57,700 58,200 के आसपास के, और 58,200-300 के ऊपर चलता है तो 60,000 का लेवल भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई 58,200-300 के ऊपर चलना काफ़ी ज़रूरी है। वापस से बता देता हूँ, एक लेवल की गिरावट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अगर यहाँ से नई गिरावट होती है तो 55,200 के नीचे हो सकती है, वहाँ पर आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहना दोस्तों। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेरा इंट्राडे का सेटअप जो है वो आपके साथ है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वो आप यूज़ कर सकते हो और बेनिफिट उसका उठा सकते हो। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।